अच्छा प्रशांत जी, हीरो जीरो के बाद इंडिविजुअल कॉल्स, कहां तेजी या कहां मंदी आप खेल रहे हैं? सुमित जी, एक स्टॉक जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, कंसोलिडेशन होके ऊपर आ रहा है, वो है एचयूएल, और मुझे लग रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसमें मैं लॉन्ग रहना चाहूंगा। मुझे ये सेक्टर ओवरऑल एफएमसीजी इस एक शेकी मार्केट में काफी अच्छा और स्टेबल लग रहा है, तो मैं एचयूएल में जाना चाहूंगा और मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2195 के नीचे, यानी below 2195। ये मेरा पोजिशनल स्टॉप लॉस भी होगा, 2190 तक भी आप रख सकते हो। टारगेट मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली पोजिशनल टारगेट 2400 तक ही जा सकता है, बट अगर हम लेवल वाइज बात करेंगे तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 2300 का। 2300 के ऊपर अगर ये निकल जाए तो इसमें और तेज बाइंग आके ये करीबन 2350 2400 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए भी जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्टली रखेंगे 2195 के नीचे। नेक्स्ट जो दो कॉल होगी मेरी, वो शॉर्ट कॉल्स होंगी और वीकर स्टॉक्स में होगी। इसमें से एक वीक स्टॉक जो मैं काफी वक्त से बात कर रहा हूँ, वो टाइटन है। तो इसमें एक अच्छी रैली आई है। अब मैं इस रैली को अगर ब्रेक हो जाए तो अगर ये करीबन अभी 2000 के जस्ट ऊपर प्राइस छेड़खानी कर रही है, अगर ये 1995 यानी 1995 ब्रेक कर दे तो मैं टाइटन को शॉर्ट करना चाहूंगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में रखूंगा अबाउट 2030 यानी 2030 के ऊपर। टारगेट मुझे लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिप लेके करीबन 5% गिर सकता है, यानी 1900 तक के टारगेट दे सकता है। तो ये मेरी सेकेंड पिक होगी। और लास्ट पिक मेरी होगी एक ऐसा स्टॉक जो काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे चुका है, बट अभी मुझे लग रहा है कि इसमें एक वीकनेस आ रही है और अपने कंसोलिडेशन जोन के निचले लेवल्स पे आ चुका है, वो है अडानी एंटरप्राइज। और मुझे लग रहा है कि इसमें हम 2140 2145 के जोन में स्टॉप लॉस रख के बिकवाली कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है ये टारगेट करीबन 2010 से लेके 2000 के लेवल्स दिखा सकता है। तो ये तीन मेरे आज के पिक्स रहेंगी, एक लॉन्ग होगा और दो शॉर्ट साइड पे ट्रेड्स होंगे।